हाय एवरीवन, माय नेम इज अनु। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग इस चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को डेली अपडेट रखने के लिए कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई फैक्ट्स, इमेजेस वगैरह आप लोगों को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, लाइक मेरा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, ट्विटर अकाउंट है, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी डेली के फैक्ट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज की वीडियो जो है वो मेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई 2020 से है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट डेज है जुलाई में 2020 में, और वो डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो कई डेज में मैंने आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन किया है कि क्या सिग्निफिकेंस है उस डे का। सो वीडियो को मिड तक, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत क्रिएटिव वीडियो है। सो ई लर्निंग विद अनु के साथ सीखते रहिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी ये वीडियो देख सके। मिड तक, एंड तक वीडियो देखिए ताकि आप लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट ना हो। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके जाइए, और मेरे और भी सोशल प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए कंटेंट को, ताकि मेरे को भी अप्रिसिएशन मिल सके कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया, मैं आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई 2020 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में। सो वीडियो को मिड तक, एंड तक जरूर देखेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। बाकी भी मैं आप लोगों को अप्रैल, मई, जून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज और बता चुकी हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 1 जुलाई बहुत सारे डे सेलिब्रेट किए गए थे। तो 1 जुलाई सेलिब्रेटेड एज 1st डॉक्टर डे, 2nd पोस्टल वर्कर्स डे, 3rd कैनेडा डे, 4th चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, दैट इज CA डे, मीन्स CA जो होते हैं उनसे रिलेटेड था। 5th इज नेशनल US पोस्टेज स्टैम्प डे, 6th नेशनल जिंजर स्नैप डे। सो 1 जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये डेज जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किए गए थे, तो आप लोगों को ये डेट जो है याद रखनी है कि इस डेट पे इतने सारे डेज जो है वो सेलिब्रेट किए गए थे। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। 6th जुलाई, मैंने आप लोगों को बहुत ही सेलेक्टिव डेज जो है इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, तो वीडियो शॉर्ट है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो 6th जुलाई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 6th जुलाई टू एम्फसाइज एंड ब्रिंग द प्रॉब्लम अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल एंड टीच देम टू टेक द राइट एक्शन। सो वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो 6th जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, बताया जा सके कि राइट एक्शन कैसे लेना चाहिए प्रॉब्लम में। मूव ऑन टू 11th जुलाई, 11th जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 11th जुलाई टू फोकस द अटेंशन ऑन द अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इशू। सो पॉपुलेशन इशू से रिलेटेड अटेंशन, अवेयर किया जा सके कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है पर ईयर। अभी तो 2nd पे है वर्ल्ड में एज पॉपुलेशन, बट अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो मे बी हम चाइना को भी पीछे छोड़ दें, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अभी गलत है। पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। सो अवेयर करने के लिए लोगों को तो ये डे उसलिए सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 12th जुलाई। 12th जुलाई सेलिब्रेटेड एज पेपर बैग डे इज ऑब्जर्व ऑन 12th जुलाई एनुअली टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंशन ऑफ पेपर बैग। सो पेपर बैग की इंपॉर्टेंस बताने के लिए 12th जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, मूव ऑन टू 14th जुलाई, फ्रेंच नेशनल बेसलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th जुलाई एवरी ईयर। दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ स्टोमिंग ऑफ बेसली ऑन 14 जुलाई 1789। सो उनकी एनिवर्सरी से रिलेटेड है, तो इस डे पे फ्रेंच नेशनल बेसलेट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 18 जुलाई। 18 जुलाई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नेल्सन मेलिंडा डे, मंडेला डे इज ऑब्जर्व ऑन 18 जुलाई एवरी ईयर टू कॉल अस एवरी डे टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो ये डे जो है वो अवेयर किया जाता है कि लोगों को कि एवरी डे जो है वो बेटर होना चाहिए, बेटर प्लेस होनी चाहिए। सो 18 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 26th जुलाई। 26th जुलाई सेलिब्रेटेड एज बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 26th जुलाई एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। सो इसका नाम जो है ऑपरेशन विजय के नाम के बाद कारगिल विजय दिवस दिया गया था। इस दिन जो है इंडिया कारगिल वॉर जो थी वो जीत गई थी। द कारगिल वॉर वॉज एंडेड ऑन 26th जुलाई विच कंटिन्यूड अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड,
16 जुलाई नेशनल पेरेंट्स डे, नेशनल पेरेंट्स डे सेलिब्रेटेड एज 26th जुलाई, ऑब्जर्व ऑन द फोर्थ संडे इन जुलाई. सो जो भी फोर्थ संडे पड़ता है जुलाई में, उसी दिन जो है नेशनल पेरेंट्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है. तो इस बार 26 जुलाई को फोर्थ संडे था, तो इसलिए 26 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पेरेंट्स डे. ओके, मूव ऑन टू 28th जुलाई. 28 जुलाई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 28 जुलाई टू जनरेट द ऑपर्चुनिटी टू सेटअप नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन हेपेटाइटिस. मीन्स जनरेट कर सके, ऑपर्चुनिटी बता सके, अवेयर किया जा सके नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, हेपेटाइटिस से कैसे लड़ा जा सके, कैसे कैसे प्रिकॉशंस वगैरह लिए जा सके. ओके, मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड. 29 जुलाई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे. सो इंटरनेशनल टाइगर डे से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है 30th जुलाई को प्रोवाइड की थी, जिसमें सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव डेकोरेटिव वीडियो है. ओके, सो 29 जुलाई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर. सो वही स्प्रेड किया जाए अवेयरनेस लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, नेशन के बीच में, कि टाइगर्स को कंजर्व करना क्यों ज्यादा जरूरी है, नीड है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. इस वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी वर्ल्ड टाइगर डे से, आप लोग वहां से भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. बाकी के सारे जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सोशल प्लेटफॉर्म के प्रोवाइड कर दूंगी. सो प्लीज मेरे सोशल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो जरूर करें, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, बी सेफ, बी एक्टिव.